अगर इस वीडियो के अंदर किराएदार हो ना, मकान मालिक बना के छोड़ूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। पहले हम रोजगार देंगे और उसके बाद मकान देंगे। अपने पैसे से ये मकान बना के देते हैं, कोई पैसा की ब्याज नहीं लेते हैं। मात्र 1000 रुपए दे के आप अपना कब्जा कर सकते हो। 1000 रुपए दे के मकान बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते। पक्की बात है ना? कंफर्म, बिल्कुल। 1000 रुपए दो मकान बनवाओ। बिल्कुल बनवाइए। कुछ तो लेते होंगे ब्याज वगैरह? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिया? कुछ नहीं। तो ऐसे कैसे दे पा रहे? मतलब ब्याज भी नहीं लेते? जितने हम पे बन रहे हैं उतने हम देते हैं, ऐसे भी नहीं हर महीने हम दे। जितने हम पे बनते हैं उतने हम देते। पक्की बात है ना? पक्की है। ऐसे वीडियो में बोल रहे हो? नहीं, महीने से कर रखा आपने। पक्की बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई बंदा हमारे पास प्लॉट लेने आता है किस्तों पर, उसका कोई ब्याज नहीं और हम काम भी लगा के देंगे बंदे का। अच्छा जी, और प्लॉट भी किस्तों पे दिलवाएंगे आपको। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा है, कस्टमर को ऐसे ही कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। मकान बना के दे दे। मकान बना के दे दे। नहीं, हमारा कोई ब्याज नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है हाशिम। मकान भी बनवा के अगले ने ईटे पीटे सारी सहायता दे के हमें जब बनवाया हमारा मकान। अच्छा, ईटे वगैरह भी दिलवाते हैं? कोई गरीब आ जाए ना तो कहता उससे अगर तेरे पास नहीं है इस महीने किस्त, अगले महीने दे दियो भाई, चल कोई टेंशन वाली बात। कोई टेंशन नहीं है। ये हाशिम भाई की बदौलत आज कॉलोनी बस रही। ये सारी राहुल भाई कंपनी है, आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया ये है राहुल भाई, घर के पास नौकरी मिलना। ऐसे ही बंदे सुबह कंटिन्यू आते हैं और शाम को जाते हैं। ये सारी फैक्ट्री एरिया है टोटल, ये चौराहा है और आप देखना कितना आदमी खड़ा है, ये सब ड्यूटी करके आ रहा है। और साइड दिखाने की सुविधा भी फ्री है राहुल भाई। दोस्तों एक और बार मैं आपको दिखाने लेके आ गया हूँ बढ़िया बढ़िया शानदार प्लॉट, और ऐसे पर्सनलिटी के पास लेके आया हूँ जिनकी वीडियो पहली बार यूट्यूब के ऊपर मैं बना रहा हूँ। इनकी यूट्यूब पे पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये इस एरिया के बादशाह कहलाते हैं। क्योंकि भाई इस एरिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है, बच्चा नहीं है जिनको नहीं जानता हो। क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने ज़मीन ली है आधे से ज़्यादा लोग इनको जानते हैं भाई, क्योंकि ये हैं गरीबों के मसीहा। क्योंकि इन्होंने किरादारों को अपने सपने पूरे करने के लिए प्लॉट दिया है, इतने सस्ते प्राइस के अंदर दिया है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे, इतने सस्ते प्राइस के अंदर प्लॉट दिया है। और लोकेशन क्या होगी, आसपास की फैसिलिटी क्या होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आसिम भाई से। तो आसिम भाई कैसे हैं? जी बढ़िया राहुल भाई, आप बताइए। बढ़िया हूँ सर। आसिम भाई सबसे पहले ऐसे कि आप लोकल एरिया में काफ़ी मशहूर हैं, इसका क्या रीज़न है? कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर? सर ये हमारे फादर करते थे, अब हम पे आ चुका है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, किरादारों को कई सारे आपने प्लॉट दिलाए हैं दबा के। जी 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 जी। और यूट्यूब पे पहली बार वीडियो जा रही है, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों की वीडियो बनाता हूँ जो लोग ईमानदार हैं, सच्चाई से काम करते हैं। और मेरी वीडियो से कोई भी यूजर अगर आएगा तो उसे हमेशा ईमानदार लोग ही मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यूट्यूब पे ना आने का रीज़न क्यों नहीं आ पाई ये मुझे पता नहीं, बट इतना मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से मैं वीडियो शूट करने आता हूँ सबसे पहले मैं R&D करता हूँ कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितना टाइम से काम कर रहे हैं, आपको लोकल एरिया में कौन कौन जानता है और आपका व्यवहार क्या है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। टोटली काम जो आपका आता है रेफरेंस से आता है? रेफरेंस से आता है। एक बंदा जिन्हें जमीन ले ली वो 10 जगह बताएगा? वो 10 जगह बोलेगा। हाँ जी हाँ जी भाई, आप किसी के साथ छोटा सा नेक काम करो, वो 100 जगह अपना आप जाके बोलेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं किस्तों में बना के दे रहा हूँ प्लॉटिंग, ईंट वगैरह सब किस्तों में। अच्छा जी जी, आप 1000 रुपए में भी हमारे पास कब्जा आके तुरंत हैंड टू हैंड मकान बना के अपना रह सकते हो। मतलब 1000 रुपए की क्या वैल्यू होती है, एक इंसान एक दिन का खाना खा लेता है। जी जी जी, 1000 रुपए में आपको प्लॉट मिल जाएगा। मतलब प्लॉट की अगर आप कितने भी गरीब हो भाई, उसके लिए तो हमारे हाथ से भाई मसीहा है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं तो कोई कस्टमर अगर 1000 रुपए दे के अभी कब्जा करना चाहता तो हो जाएगा। बिल्कुल हैंड टू हैंड कब्जा करना चाहता है, तुरंत कब्जा होगा। आप देख रहे हो ये मैंने किस्तों पे बना के दिया है राहुल भाई, ये वाला। जी बड़े भाई, तो बड़े बढ़िया भैया, देखो जी ये देखो इस तरीके से यहाँ प्लॉटिंग हो रखी है, और सामने भी देखो कि वहाँ पर प्रॉपर प्लॉटिंग की गई है 200 मीटर की दूरी पर। सारी की सारी प्लॉटिंग हमारे हाशिम भाई ने करी हुई है, और जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं इस एरिया के बगल में ये जो प्लॉट आप देख पा रहे हैं ये एक दो मंजिला बने हुए, आगे भी प्लॉटिंग हो रही है और इस साइड भी हो रही है। तो ये एरिया जो है इसकी लोकेशन का नाम क्या है, सिटी क्या है, इसके आसपास की फैसिलिटीज क्या रहेंगी? इस कॉलोनी का नाम हो गया सिल्वर सिटी, सिल्वर और सिटी। ये लोनी गाजियाबाद में पड़ता है आपका। अच्छा जी, सामने ITI कॉलेज हो गया आपका, सरकारी स्कूल हो गया पास में, रेलवे स्टेशन हो गया आपका पास में। जी राहुल भाई, और रोजगार के लिए सबसे मेन चीज यहाँ पे रोजगार के लिए कम से भी कम 10,000 फैक्ट्री है ट्रोनिका सिटी के अंदर। 10,000 फैक्ट्री? जी फिलहाल जो अब ओपन अभी चालू है 10 मिनट की दूरी पे। जी, अगर बाइक से आता तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे प्लॉटिंग के साइज क्या क्या रहेंगे?
यहाँ पे आपको 30x30 में 100 गज चौकोर मिलेगा। का सपना घर हो एक अपना, ये सर का लक्ष्य है भाई, इसी तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे साइज वगैरह बता दिया, अब चलते हैं सीधे सबसे जरूरी चीज़ जो होती है प्लॉट के आसपास के लोकेशन, जहाँ पे आपको बैंक, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वीडियो को देखना पूरा, अगर इस वीडियो के अंदर किरायादार हो ना मकान मालिक बना के छोड़ूंगा, बता रहा हूँ आपको। तो चलिए वीडियो को चलते आगे बढ़ाते हैं। कितना प्यारा पक्का रोड है, एकदम सीमेंट रोड मिलेगा आपको, इस तरह लंबा रोड जा रहा है आगे तक। राहुल जी ये देखिए, आपको झंडा दिख रहा है वो वहाँ पर, अभी हमने आपको प्लॉटिंग दिखाई थी और उसी के, और ये सारा दिख रहा है, आप किधर भी निगाह घुमा सकते हो। ये सारी प्लॉटिंग हमने की है, हमने बगैर पैसों के बंदों को मकान दिए हैं। तो हासिम भाई अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं? ये भाई साहब हम अपनी कॉलोनी में आ चुके हैं और ये मेरा साइड ऑफिस है, ये देख लीजिए सर का साइड ऑफिस है यहाँ पे, और ऑफिस के चारों तरफ देख पा रहे हैं। बगल में अगर आप देखते हो यहाँ पे, ये पेपर ब्लॉक का पक्का रोड बना हुआ है। बिल्कुल, ये पक्का रोड देखिए, इधर भी बना हुआ है और इधर भी आप देखो पक्का रोड बना हुआ। बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल से, ट्यूशन से पढ़ के, इनसे भी एक बच्चे से बात करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बेबी खड़ा हुआ बच्चे, इधर आना बेटा, नाम क्या आपका? आदित्य। आदित्य नाम है आपका, यहाँ पढ़ते हो? Yes. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय गरी सवलू लोनी गाजियाबाद। अच्छा, लोनी गाजियाबाद में आपका स्कूल है, यहीं पास में। हाँ। कितना दूर होगा यहाँ से? आधा किलोमीटर। तो कैसे जाते हो, रिक्शे में जाते हो, पैदल जाते हो? पैदल चले जाते हैं, पास में ये स्कूल। हाँ, तो देखो कितने सारे बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, आप देखोगे लाइव बहुत सारे बच्चे तो जा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं हमको, तो हम कैसे बना रहे हैं वीडियो। तो हासिम भाई के साथ किरादार से मकान मालिक बनने तक के सफर के अंदर हमारे साथ एक दो कस्टमर और उनसे बात कर लेते हैं। हासिम भाई, तो भाजी आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम मंगल सिंह है, ये मेरा मकान है, 5 बेटा है, 5 नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा जी, अपनी खेती क्यारी में नहीं लगा रहता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो बिजली पानी की पक्की सुविधा यहाँ पे है? बिजली देखो ये आ रही है, खिचकी सरकारी है। ये देखिए सामने खंभे लगे हुए देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, और खंभे के साथ में यहाँ पे ये पाइप देख पा रहे हैं, ये पाइप लगा हुआ, पाइप लगा हुआ, पक्का रोड होने वाला। ये देखिए पाइप लगा हुआ, ये आपका गवर्नमेंट का पानी है। अपने पैसे से ये मकान बना के देते हैं, कोई पैसा की ब्याज नहीं लेते हैं। ये सब अपने लोगों ने मार्केट बना रखी है, बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास है जी। ये ट्रांसफार्मर है सामने, बिजली पानी की सबकी सुविधा है यहाँ पे। ये सामने मंदिर देखिए आप अपना, राहुल भाई 3 भट्टे है मेरे, किस्तों पे बनवा के भी दे देते हैं हम। अच्छा, मतलब ईंटें वगैरह भी? जी जी जी, सप्लाई की दुकान है और भट्टा। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हासिम भाई की एक और साइड पे, जो कि 4 महीने के अंदर कंप्लीट सेल होगी, क्योंकि लोकेशन इतनी प्राइम है। जैसे कि स्कूल का नाम भी विकास है और हमारे हासिम भाई ने भी इस एरिया में विकास कर रखा है। तो हासिम भाई, ये ईंटें वगैरह जो है मैंने सुना है आपके भट्टे से आती है? जी जी जी, हम अपने भट्टे से पहुँचवाते हैं। ये देख रहे हो आप लाइव सामने काम चला हुआ है, सबको किस्तों पे बना के भी देते हैं और किस्तों पे। ये हमारा साइड ऊपर दूसरा साइड ऑफिस हो गया, आप देखो मकान पे मीटर लगे हुए हैं। हाँ, मीटर लगे मकान के ऊपर। आगे आइए आपको दिखाते हैं, ये ईंटें आपकी यहाँ की? बिल्कुल, ये अपने भट्टे से आई हुई है भाई। देखिए ये ईंटें भी इनके यहाँ की है, और पीछे देखोगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग वहाँ पे अपना मकान बना रहे हैं प्लॉट लेके इस तरीके से। और यहाँ पे कितने कितने गज के प्लॉट हैं? यहाँ पे आपको 25 गज के भी मिलेंगे, जिसमें 25 गज का साइज आपका 15x15 होगा, ठीक है। और 50 गज में जो साइज मिलेगा आपको 15x30 का मिलेगा, ठीक है। 100 गज में जो साइज होगा आपको 30x30 चौकोर में मिलेगा, ठीक है। अब जब कोई इंसान एक किराएदार व्यक्ति, जैसे कि बताया आपने नौकरी की सुविधा आपने करवा दी, जी जी, अब बाकी की सुविधाएं आसपास की कैसी होने वाली है? जिस तरीके से मैंने आपको हाईवे दिखाया, मेट्रो पास में आने वाली है, आप देख रहे हो रेट दिन पे दिन चढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, जी जी। मेरे अनुमान से मेट्रो बिल्कुल पास में होगी, रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर रोड पे, 1 किलोमीटर जी, जी, मेट्रो बिल्कुल आपके पास में 5 मिनट पे, 5 मिनट पे आप मेट्रो। कौन सा मेट्रो पास में? शिवबिहार मेट्रो स्टेशन, शिवबिहार मेट्रो से जी, जी, ये जी। कितनी दूरी पे? 10 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट पर। तो शिवबिहार मेट्रो से 10 मिनट की दूरी पे ये प्लॉट होने वाला है, और बिजली पानी की सुविधा देख पा रहे हो, लाइनें जा रही है यहाँ पे, वहाँ पे फैमिली रह रही है, गाय भैंसे भी इन्होंने पाल रखी है। दोस्तों जैसे कि लोगों ने कहा है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहले जरूरी है कि कस्टमर का फीडबैक कैसा है। तो आज कुछ कस्टमर्स ने इकट्ठे किए हुए हैं, यहाँ से भी कुछ कस्टमर बुलाए हैं, इस साइड से बुलाए हुए हैं और इधर से बुलाए, ताकि मैं बता पाऊँ आपको रियल में सच्चाई क्या है, किस सच्चाई होने वाली है। हासिम भाई का नाम इतना यहाँ पे क्यों चल रहा है? तो हासिम भाई, अगर कोई यहाँ पे जमीन लेना चाहता तो कितने पैसे दे के रजिस्ट्री करा सकता है? मन चाहे जी। अच्छा जी, जी बिल्कुल। जैसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? शुरुआत में मांगे थे 5 लाख का प्लॉट है आपका, जी जी जी, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? रजिस्ट्री कब मिलेगी कस्टमर को? आपको रजिस्ट्री फाइनल पे मिलेगी और कब्जा हैंड टू हैंड मिल जाएगा, और आधी पेमेंट आप पे पहले। अच्छा, तो वो भी आप करवा सकते हो और रजिस्ट्री भी अपने घर ले जा सकते हो। बिल्कुल, पहली बार देखा मैंने कि आप म्यूटेशन पहली बार दे रहे हैं। जी जी जी, वरना हर लोग प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं वो म्यूटेशन बाद में देते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम इसरार है जी। इसरार भाई, आपने कौन सा मकान है आपका? हमारा ये भी सफेद वाला, जिसमें चादर डली टंकी के पीछे वाला। हाँ जी, देखिए चलिए, टंकी वाला ही मान लें, टंकी वाले मकान भाजी का। कितने गज का है? 50 गज का। कितने का लिया आपने? ये लिया है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का कब लिया? हो गए 4 महीने 5, मतलब ये साइड भी 4-5 महीने हुए हैं। बस ज्यादा बसावट, यहाँ देख पा रहे पूरी बसावट हो चुकी है जी, मकान भी बन रहे हैं। तो आपने कैश में लिया?
नहीं किश्तों पे लिया। किस्त लिया, कितने पैसे रह गए आपके? अभी चल ही रहा है किस्त, मतलब ये है चार पाँच किस्त गई आपकी। हाँ, बस ये है। तो बाकी का ब्याज कोई चक्कर नहीं? हमारा कोई ब्याज नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है हाशम। कैसा व्यवहार है इनका? मकान भी बनवा के अगले ने ईटे पीटे सारी सहायता दे के हमें जब बनवाया हमारा मकान। अच्छा, ईटे वगैरह भी दिलवाते हैं? हाँ। कोई पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं? कोई गरीब आदमी चाहता किराएदार अपना मकान बनाना, गरीबों के लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ चलिए, धन्यवाद जी। कोई गरीब आ जाए ना तो कहता उससे अगर तेरे पास नहीं है इस महीने किस्त तो अगले महीने दे दियो भाई, चल कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं। टेंशन नहीं है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। कौन सा मकान है भैया आपका? मेरा मकान पीछे ही बना हुआ है। पीछे बना हुआ है 50 गज का, आसिम भाई से ले रखा है। अच्छा जी, तो ये कितने टाइम पहले लिया था आपने? 3 साल का टाइम दिया है इन्होंने। अच्छा, और किस्तें दे रहा है महीने बाई महीने। ब्याज वगैरह ले रहे किस्तों? नहीं, ब्याज कैसे ले लेंगे, आसिम भाई अपने सगे हैं। क्या बात है, तो मुझे यहाँ पे एरिया में काफी नाम चलता है उनका। अरे नाम चलता गरीबों के लिए, मसीहा बन के आते हैं। ये दो लोग मसीहा हैं। अच्छा। और न्यू आकाश पब्लिक स्कूल है, अशोक स्कूल वगैरह। हाँ। कितने स्कूल होंगे आसपास? आसपास स्कूल है चार। चार स्कूल है। हाँ। अच्छा, यहाँ से कोई इंसान अगर आता है बसावट करता है उसके बाद नौकरी वगैरह की सुविधा कैसी है? टोनका सिटी आपकी 3 किलोमीटर है, खजूरी से 7 किलोमीटर है, और सादरे से 8 किलोमीटर है। मेट्रो? मेट्रो सामने है यहाँ, शांति नगर पे। शांति भी, शांति नगर, ठीक है। मेट्रो वगैरह भी पास में, सब कुछ सुविधा बढ़िया है जी। आसपास हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज? हॉस्पिटल जगमोहन, और एक बंदरा देवी, और एक न्यू वो है, एक और लेडीज के नाम पे, 4-5 हॉस्पिटल है आसपास। ये आसपास है। बैंक वगैरह तो लोनी में इतनी बैंक है, अपने टोनका सिटी में 5 बैंक है फिलहाल, और लोनी में काफी है। ठीक है, ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है। ये आसिम भाई की बदौलत आज कॉलोनी बस रही है। मतलब यहाँ पे बिजली पूरी मिलती कोई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चली चली आप आओ, जमीन सरकारी मीटर है? सरकारी मीटर कनेक्शन लगा हुआ। बिजली का बिल कितना आता? बिजली का बिल वही घर के हिसाब से नॉर्मल। पानी? पानी भी है, सब कुछ बढ़िया। पानी भी सरकार दे रही है? सब कुछ बढ़िया मिल रहा है जी। ठीक है, आसिम भाई की प्रॉपर्टी में कहीं भी ये गलत कर ही नहीं सकता। चलिए जी, क्योंकि ये कितने पुराने यहाँ पर? ये पुराने मेरे को, तुम से पुराने हैं? 2001 में आया हूँ जब से ये आसिम भाई की प्रॉपर्टी। एक दो परिवार के मकान यहाँ बने हैं, तो इन महिलाओं से पूछ रहे थे कैसा इनका व्यवहार रहा है आसिम भाई के साथ में, कैसा उनको लगा। तो हेलो मैम, कैसे हैं? व्यवहार अच्छा है मैम। कौन सा मकान है आपका? मेरा वो है, एक बार दिखाइए पीछे की तरफ, टंकी जो लगी है, झंडा लगा हुआ। हाँ, ये मकान है आपका? हाँ। ये कितने गज में बना हुआ आपका? 30 गज का है। 30 गज का मकान। हाँ। है आपका। ठीक है, तो कितने टाइम पहले लिया था आपने? एक महीना बन गया। एक महीने पहले लिया था आपने? हाँ। तो भी रेडी होने वाला है। टाइम कितना हो गया? टाइम यहाँ रहते हुए? हाँ। 6 महीना हो गया होगा। 6 महीने पहले लिया था आपने? हाँ। और अभी आप बनवा लिया आपने? हाँ। तो आपका कौन सा मकान है मैम? ये हमारा मकान। ये आपका मकान है, कितने गज का है? 50 गज का। ये आपने कब लिया था? 9 महीने हो गए। मतलब ये थोड़ी सी पुरानी साइट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 4-5-6 महीने पुरानी ये बनी हुई है। अच्छा, आपका कौन सा मकान है जी? मेरा पीछे। आपका मकान पीछे? कौन सा? पीछे साइड में। हाँ। ठीक है, नाम है आपका? मधु। तो अभी जैसे कि आपने लिया होगा, तो ये कैश में लिया था, किस्त पे लिया था? नहीं, किस्तों पे। तो कोई पैसे वैसे देने में दिक्कत तो नहीं? ब्याज नहीं, कुछ भी नहीं। तो कब से देख रहे हैं आप उनको? काफी साल से देख रहे हैं। इधर भी है इनकी कॉलोनी, उधर भी अच्छा, सभी कुछ अच्छा, पूरे रास्ते भी सब सही है, बिजली लाइट पानी सब सही है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या आती है तो आप इन्हीं को बुलाते होंगे? इन्हीं को बुलाते हैं हम, कोई भी दिक्कत हो घर परिवार में तो इन्हीं को बुलाया जाएगा। और किसको? आप लोग तो बाहर से आए हो, अब आप लोग तो यहाँ जो जानने वाला, जो जमीन दिलवा रहा है उसी को जानते हैं, और वही आपकी आगे दोस्ती यारी कराते हैं, फिर चलता है आपका। ठीक है, आस पास बढ़िया से रहते हैं। यहाँ पे स्कूल वगैरह की सुविधा पूरी है? स्कूल चारों तरफ है, स्कूल की कोई टेंशन नहीं है बच्चों की, और यूनिवर्सिटी वगैरह, हॉस्पिटल। हाँ, सारी सुविधाएं हैं, सब सुविधा। चलिए, रोजगार वगैरह सब महिलाओं के लिए, रोजगार की सुविधा कहाँ पर है? सब चल रहा है टाउन का सिटी में, सब कुछ सही। महिलाओं है। के लिए मिलता है रोजगार? हाँ। उनकी नौकरी मिल जाएगी? नौकरी मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं लोगों के लिए, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं। तो काफी टाइम हो गया दोस्तों, ट्रेनों का सिटी चलता है सीधे, वहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसी कंपनीज वहाँ पे हैं, कैसे एरियाज बना। तो आसिम भाई, जैसे कि जो भैया थे ये चुनाई कर रहे हैं? जी जी जी। तो इन्हीं का मकान है? जी, इन्हीं का मकान है। इन्हीं का मकान है, इन्होंने खरीदा, यही बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। तो भाई ये तो बढ़िया, सोने पर सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे की बचत कर ली इन्होंने। बिल्कुल, बहुत मेहनती आदमी है पूरे, ये इनका लड़का लग रहा है। हाँ। पूरी फैमिली लगी हुई है जी, पूरी फैमिली। जी जी जी, पूरी फैमिली। मैडम ये इनकी कौन है? ये इनकी वाइफ है, मतलब पूरा ये परिवार ही घर में काम कर रहा है। जी जी जी, ये मिस्त्री साहब है क्या? हाँ जी, मिस्त्री भी है। अच्छा, घर में काम करने वाले मिस्त्री साहब है? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री है। जी जी जी, खुद ही बना रहे हैं,
खुद ही जमीन ले ली, एक नंबर ईंट में बना हुआ है, अपने भट्टे की एमबीएफ की, आपके भट्टे की एमबीएफ की ईंट होने वाली, हाँ एक नंबर की ईंट, तो ईंट वगैरह भी आपको हाजिम भाई दिलवा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने गज का बताया था इन्होंने? ये आपका 60 गज है भैया, 60 गज का, जी जी जी। और इन्होंने भी किस्त पे लिया होगा? जी किस्त पे लिया है। तो गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सभी के सभी जो लोग किस्त पे लेना चाहते हैं सस्ते प्राइस के अंदर वो यहाँ पे ले रहे हैं। पहले दिल्ली में रोजगार था, अब दिल्ली से बाहर कर दिया है रोजगार, जैसे दिल्ली की सारी फैक्ट्री अब आपकी ट्रोनिका सिटी में आ चुकी है, तो इसी वजह से और आदमी देख रहा है भाई जहाँ पे रोजगार वहाँ पे ही आदमी जाता है। ये जो नया हाईवे बनना है आपने सराय काले खां से सुना होगा, बिल्कुल वो ही सीधा रहा है, जब से वो उसका काम चालू हुआ है तो इधर बहुत ज्यादा लोगों का रस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि प्लॉट में भी मैं भी, हमारा सपना कि हर किराएदार को अपना मकान, जी जी जी, हाँ मेरे नाम से, आप ही मालिक हो जमीन, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी भाई ये दृष्टि देख लीजिए, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये आसिम भाई का फोटो लगा शायद, जी जी भैया आपका फोटो है ना, जी जी हमारा, ये मालिक है और ये आपको प्लॉट देंगे, यानी कि मालिकों के हाथ से आप सीधे प्लॉट खरीदो, बीच में कोई, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में कोई ये लेने वाला है, जी ये लेने वाला है, इनका भी देख लीजिए फोटो, इन मैडम ने लिया है प्लॉट, ये कंप्लीट, जी जी, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जी जी कोई कोई बीच में नहीं है, कोई भी डायरेक्ट आके हमसे संपर्क कर सकते हो। ये देखो ये दो गवाही के लगते हैं, ये गवाही लगी हुई है, ये आपका पूरा फोटो लगेगा प्लॉट का, देखिए पूरा फोटो लगेगा प्लॉट का, ये पूरा नक्शा होगा आपका, अच्छा ये प्लॉट का नक्शा, जी 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 भाई जी, ठीक है जी जी बड़े भाई, ये देखिए नक्शा, ये पूरा, ये कौन कौन गवाही में है वो सब कुछ, ठीक है बस प्ले करो। तो रजिस्ट्री जब देते हैं तो कितने पैसे जमा करके रजिस्ट्री मिल जाएगी? आप आधी पेमेंट पे भी रजिस्ट्री ले सकते हो और कस्टमर के व्यवहार से भी, अच्छा क्या पता कोई हमारे लिए कैसा कस्टमर हो, मतलब व्यवहार, आप व्यवहार से ज्यादा काम करते हैं? बिल्कुल व्यवहार से काम करते हैं हम, ठीक है जी। सब भाईचारा है अपना। कम से कम कितने पैसे देके कब्जा कर सकते हैं? मात्र 1000 रुपए देके आप अपना कब्जा कर सकते हो, 1000 रुपए देके मकान बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हो, पक्की बात है ना, कंफर्म, बिल्कुल 1000 रुपए दो मकान बनवाओ, बिल्कुल बनवाओ ये। चलिए भाई तो ये वाली बात भी तय होगी, बाकी जो भी बातें हैं अगर म्यूटेशन की बात की जाए, जी म्यूटेशन कब देते हैं? म्यूटेशन तो रजिस्ट्री होने पे ही होती है भाई जी, रजिस्ट्री होने के बाद जी, जो बंदा कहता है हम पहले भी करके दे देते हैं। किस्त बचती है वो कब देनी है? मुफ्त ब्याज, मुफ्त ब्याज वगैरह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 साल में बाकी का पैसा। राहुल भाई हमें तो इतना पता है जब तक जिंदगी है जब तक भैया कोई ना कोई आफत लगी रहती है, बिल्कुल सही बात जी, हमारे साथ भी है आपके साथ भी है और कस्टमर के साथ भी। तो देखो हम मजबूरी पहले देखते हैं बंदे की, कोई ऐसी बात नहीं, देखो जिसने लिया है वो सोचेगा जल्द से जल्द मैं पूरा करूं, नहीं जिसने जमीन ली है तो वहां पर रह रहा है, वहां पर रह रहा है, उसको पैसे देने देने हैं, देने देने हैं, 2 साल की जगह 2.5 साल में दे देगा और क्या हो जाएगा, बस कोई दिक्कत, 3 की जगह 4, अरे किसी गरीब का मकान बन जाएगा। हाँ बढ़िया बात है, बिल्कुल। तो बिना ब्याज के आप यहाँ पे बिल्कुल देने वाले, ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त जी। चलिए ठीक है, बाकी चलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर, मैं आपको आगे दिखाता हूँ लाइव के, लाइव में आपको दिखाऊंगा आपका ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, मेट्रो कहाँ पर है, लोकेशन कौन सी है, कौन सा हाईवे निकल रहा है, कौन सा बिजली पानी की सुविधा सर आपको दे रहे हैं, कौन से प्लॉट के अंदर कितने गज के मकान बन रहे हैं। मैंने सुना सर आपकी ईंटों का भी काम है, भट्टी, जी जी मेरा भट्टो ईंटों का भी काम है, तो ईंटें वगैरह भी देते होंगे? हाँ किस्तों पे ईंट वगैरह भी, डस्ट वगैरह सब देते हैं हम, और मकान भी बना के दे देते हैं, मतलब ईंट बालू सीमेंट रेती A to Z सब चीज। आपको जैसे मैं कुर्सी पे बैठा है कस्टमर को ऐसे ही कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, मकान बना के दे देंगे, मकान बना के दे देंगे भाई, मतलब पूरी सुविधा मिलने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको सारी चीजें दिखाते हैं। यह रेलवे स्टेशन हमारी जमीन से मात्र 1 किलोमीटर, ये आपका मेरठ हाईवे के लिए निकल जाता है, रिक्शा भी जा रहे हैं जी, ये रिक्शा है, हर घंटे बाद की ट्रेन है यहाँ पे। ये सब ट्रोनिका सिटी फैक्ट्री एरिया भैया, शॉर्ट रास्ता है ये, बिल्कुल देखो पैदल ये सब ड्यूटी करके ही आ रहे हैं भैया, कोई साइकिल से कोई पैदल, ये सारी राहुल भाई कंपनी है आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया ये है राहुल भाई घर के पास नौकरी मिलना, वर्कर अपने ड्यूटी कर करके अपने घर के लिए जा रहे हैं। देखो आप ये सब नई कंपनी और तैयार हो रही है यहाँ पे, इधर देखना चाहो कितना बंदा देख रहा है राहुल भाई, जब से भीड़ टूटी तो नहीं है, ऐसे ही बंदे सुबह कंटिन्यू आते हैं और शाम को जाते हैं। ये सारी फैक्ट्री एरिया है टोटल, ये देखो सामने पंतजलि मॉल हो गया भाई जी, ये वाला, ये देखो हाँ जी जी ये सामने, और रोड का काम भी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाबा रामदेव की फोटो लगी है, जी 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 बिल्कुल, चौराया है ये, चौराया है, और आप देखना कितना आदमी खड़ा है, ये सब ड्यूटी करके आ रहा है, और रोड भी देख रहे हैं जाम लगा, जाम लग रहा है, ये सब ट्रोनिका सिटी की छुट्टी हुई है, ये नर्सिंग होम हो गया आपका, सारा नर्सिंग होम की छुट्टी हुई है, इस वजह से बहुत ज्यादा रस हो रहा है, ये सब ड्यूटी करके आ रहे हैं भाई। अच्छा जी, और ये बाजार भरता है सप्ते के 3 दिन भरता है, अच्छा यहीं से शुरू होता है, जी जी ये पूरा और अंदर तक तो बहुत बड़ा बाजार होता है भाई। अच्छा। सराय काले खां से अच्छा, जो आपने बताया राहुल भाई हाईवे बनना, वो वाला हाईवे बनना है, ये यहाँ पे चौक बनेगा बहुत बहुत बड़ा, सारे चौक के, जी जी आप देखें यहीं से 5 मिनट की दूरी पर आपका सब्यार मेट्रो है, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आपकी साइड की लोकेशन है, यहीं पे सर का ऑफिस है, बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं तो पुस्ता चौक बोलते हैं इसको, पुस्ता चौक यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आके सर
आपको सारे चीज कराएंगे फ्री में। दोस्तों अभी हम साइड से जा रहे हैं मेट्रो, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में। ये देखो राहुल भाई, ये मेन बाजार होगा, ए टू जेड आप शादी प्रोग्राम कोई भी चीज कर रहे हो, बड़ा फंक्शन भी कर रहे हो, तो ए टू जेड सब सामान मिल जाएगा। दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है, भीड़ देख लीजिए कितनी सारी भीड़ होने वाली है। यहाँ पे हर एक किलोमीटर पर एटीएम बैंक सारी सुविधा मिलेंगी। देखिए बजाज फाइनेंस मिल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, टोटल आपको बाजार है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे। देख कितने ऑटो लगे, ऑटो स्टैंड है यहाँ पे। कॉलोनी इंटर कॉलेज हो गया राहुल भाई, और साइड दिखाने की सुविधा भी फ्री है राहुल भाई, घर से भी उठा ले, घर से भी पिकअप कर लेंगे। तो दोस्तों ये है आपका शिवगर मेट्रो स्टेशन, यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। जब भी आप आना चाहते हो दिल्ली एनसीआर से, तो यहाँ पे मेट्रो पे आपको आना होता है, सर को कॉल करेंगे, सर आपको लेने पहुँच जाएंगे, और दिल्ली एनसीआर से आपकी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। और मेरा भी शिवगर मेट्रो से ही घर को वापसी होगा यहाँ से, तो मैं निकलूंगा। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा, कोई अगर आना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री। जैसे कोई डीलर क्या करते हैं 500 रुपए या 1000 रुपए चार्ज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी जी पक्की बात है ना, कंफर्म राहुल भाई, कंफर्म, ऐसा कुछ नहीं। आइए खाइए पिए, साइड देखो, साइड देखो, लोकेशन देखो, लोकेशन देखो, अच्छे लगे, नौकरी देखो, सब चीज सब कुछ देख के, मैं तो ये कहता हूँ ए टू जेड देख के जब ओके करो, अच्छा लगे तो लेना, वरना वापसी आपको गाड़ी आपके घर पे छोड़ जाएगी। राहुल भाई आपसे भी मिलकर बहुत मजा आया हमको। ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो लोग किराएदार हैं और मकान मालिक बनने का सपना रखते हैं, तो ये वीडियो कोई काम की है, तो प्लीज़ किसी भी किराएदार को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से मकान मालिक का सपना बनने का तय कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू।